भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला गया। भारतीय कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 250 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में टीम इंडिया 40 ओवर में 8 विकेट पर 240 रन ही बना सकी। बारिश की वजह से ये मैच 40-40 ओवर का हुआ। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी रही। बारिश से प्रभावित 40 ओवर के मैच में प्रोटियाज ने 4 विकेट खोकर 249 रन बनाए। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाए, तो वहीं कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए हेनरिक क्लासेन 65 गेंदों में 74 और डेविड मिलर ने 106 गेंदों में 139 रनों की अटूट साझेदारी की, जिससे 40 ओवर में प्रोटियाज ने 4 विकेट खोकर 249 रन बनाए। लगातार हो रही बारिश की वजह से 1:30 बजे के बाद 2:45 पर टॉस होना था और 3 बजे मैच शुरू होना था, लेकिन नहीं हो सका था। वहीं बारिश रुकने पर 3:45 पर मैच का टॉस हो सका। हालांकि मैच देरी से शुरू होने के कारण 10-10 ओवरों की कटौती कर दी गई।